हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो विचारधाराएं तो हम लोग पढ़ ले, दो विचारधाराएं निकली, संभववाद निश्चयवाद। तो अब आगे जान लेते हैं भाई, भूगोल के क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों का योगदान कैसा है। भाई भूगोल के क्षेत्र में योगदान देख लेते हैं। तो भाई मानचित्र किसने बनाया, ग्लोब को किसने बनाया, किस व्यक्ति ने भूगोल को क्या कहा, सांस्कृतिक भूगोल क्या कहा, ये सब इसके अध्ययन को जान लेते हैं। तो मैं जनक, भूगोल के जनक के क्षेत्र में घुस जाते, किन्होंने किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया। तो पहले आते हिकेटियस साहब। तो हिकेटियस आप तो जानते हैं, हिकेटियस जस प्रियोडस के लेखक। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम उन्होंने भौगोलिक तत्वों का क्रमवेद समावेश किया। तो जस प्रियोडस का अर्थ क्या था, पृथ्वी का वर्णन। तो हिकेटियस साहब को क्या कहते हैं, भूगोल का जनक कहते हैं, भूगोल का जनक कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं हिकेटियस साहब को, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस साहब को कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो आप लोग वर्तमान जो किताब पढ़ते हैं, तो उसी के अनुसार वर्तमान भूगोल का जनक, प्रेजेंट फादर ऑफ ज्योग्राफी इन प्रेजेंट, वर्तमान में इन प्रेजेंट। तो वर्तमान भूगोल का जनक कौन, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। तो तीसरा आता है नाम इरोटोस्तनीज। तो इरोटोस्तनीज का नाम बहुत चर्चा, क्यों, यही थे इरोटोस्तनीज ही साहब थे यूनान के, ये कहाँ थे, यूनान के थे, ग्रीक के थे, यही साहब इरोटोस्तनीज साहब थे। इसे क्या कहते हैं, क्योंकि इन्होंने व्यवस्थित किया, हमको शुरू में बताया था कि यूनान वासियों ने भूगोल को व्यवस्थित एक प्राथमिक स्तर पर बैठाया इस विषय को। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इसी को जाता है, इरोटोस्तनीज साहब को जाता है। आपको बता दें कि तो जियोग्राफी, जियोग्राफी एक इंग्लिश शब्द है, इसको लैटिन में क्या कहते हैं, जियोग्राफिका कहते हैं, GEOGRAPHA जियोग्राफिका कहते हैं लैटिन शब्द में। तो लैटिन शब्द कहते हैं। तो जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन था, इरोटोस्तनीज। अब जानते हैं यूनान में लैटिन शब्द चलता है, ग्रीक शब्द उसी कहते हैं, लैटिन भाषा ग्रीक शब्द उसी कहते हैं, वही जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन था, इरोटोस्तनीज साहब थे। आगे बढ़ते हैं। अब भौतिक क्षेत्र में घुस गया भूगोल, किसी व्यक्ति ने भूगोल को भौतिक नज़रिए से देखा। तो भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। अब याद करने का ट्रिक, भौतिक का इंग्लिश फिजिक्स, फिजिक्स का पहला अक्षर पी और पोलिडोनियम का पहला अक्षर पी, पोलिडोनियम। तो भौतिक भूगोल का जनक कौन है, पोलिडोनियम। किसी व्यक्ति ने भूगोल को किस नज़रिए से देखा, सांस्कृतिक नज़रिए से देखा। तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक हो गया, तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक हो गया कार्ल ओ सावर। याद करने का ट्रिक दें, सो से सावर, सो से सांस्कृतिक, सोशल ऐसे भी सोशल ऐसे सांस्कृतिक। अब कृतिक, क्रिस कार को से सांस्कृतिक, को से कार्लो सावर, सो से सावर, सो से सांस्कृतिक, कार्ल से कृतिक सांस्कृतिक। अब किसी व्यक्ति ने क्या देखा, भूगोल को गणित के नज़रिए से देखा, मैथमेटिक्स के नज़रिए से देखा। तो गणित, गणित के क्षेत्र में आप पढ़ते हैं थेल्स का नियम पढ़ते हैं, एनैक्सीमेंडर का नियम पढ़ते हैं, तो इन्हीं को थेल्स और एनैक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे, थेल्स और एनैक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। अब ग्लोब, पृथ्वी का ग्लोब किसने बनाया, नहीं बोलता है ग्लोब किसने बनाया, पृथ्वी का गोल है, गोल है उसी का पूरा रूपांतरण कर दिया, गोल की तरह ग्लोब बनाया। तो विश्व ग्लोब का निर्माता ग्लोब मार्टिन बेहम, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। अब विश्व मानचित्र मैप जो पढ़ते हैं, इसका भी आप कहेगा ठीक, एनैक्सीमेंडर मोसेमेंडर मोसे मैप, मानचित्र एम से मैप, मोसे मानचित्र एम से मैप, एम से मेंडर। तो विश्व मानचित्र का निर्माता एनैक्सीमेंडर, विश्व मानचित्र का निर्माता एनैक्सीमेंडर। आइए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, आइए फिर से एक बार
दोहरा लेते हैं। तो भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वाहम बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरोटोस्थनीज, ज्योग्राफिका शब्द के प्रथम प्रस्तावक इरोटोस्थनीज, भौतिक भूगोल का जनक फिजिक्स, ज्योग्राफी ऑफ फादर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इन फिजिक्स के क्षेत्र में पोलोडेनियम, सांस्कृतिक कल्चर के क्षेत्र में कार्लो सावर, थेल्स और एनिजी मेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक, मार्टिन बहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहते हैं, एनिजी मेंडर को विश्व मानचित्र के निर्माता, और एक बचते हैं लास्ट में भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। अब विश्वकोश मैंने पूरा विश्व एक कोश के रूप में है, भूगोल भौगोलिक जो क्षेत्र है वो पूरा जो विश्व एक कोश के रूप में है, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसके क्षेत्र में भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे कहते हैं? स्ट्रोबो। स्ट्रोबो को भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, विश्वकोश। वर्ल्ड फंड एक क्षेत्र एक विश्व में जुड़े हुए, तो भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रोबो को। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे मैं बताता हूँ ना भूगोल के क्षेत्र में। थैंक यू।